स्वागत है आपको वीडियो चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को गेम ऑफ फुटबॉल का ऐसे दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो ऊपर देख रहा होगा वेबसाइट स्टडी मेन्यू नोट्स डॉट ब्लॉक स्पॉट डॉट कॉम, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको इस पूरे ऐसे का एचडी पिक्चर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस ऐसे के पूरे एचडी पिक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, पहला इंट्रोडक्शन, फुटबॉल इज़ अ फॉरेन गेम, ठीक है। इट केम टू आवर कंट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, बट नाउ इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आउटडोर गेम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फुटबॉल एक फॉरेन गेम है, आपको तो पता ही है, ये इंडिया में नहीं खेला गया था पहली बार, तो ये फॉरेन का है। तो इंडिया में ब्रिटिश जब थे उस टाइम पे आया था, लेकिन आज फुटबॉल इंडिया का कह सकते सबसे, क्रिकेट के साथ सबसे पॉपुलर गेम ही है, आउटडोर गेम है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया में, आपको पता ही है। उसके बाद देखते हैं, होया प्लेड एंड हाउ। द गेम ऑफ फुटबॉल इज़ प्लेड इन एन ओपन फील्ड। द फील्ड इज़ जनरली 110 मीटर्स लॉन्ग एंड 75 मीटर्स ब्रॉड। तो गेम ऑफ फुटबॉल कहाँ खेला जाता है, आपको बताइए, बड़े फील्ड में खेला जाता है। और इसका जो फील्ड का ऑफिशियल जो मतलब रूल है कि उसका जो फील्ड का लेंथ जो है वो 110 मीटर होना चाहिए, वो जो स्क्वायर होता है ना, और उसका जो मतलब जो चौड़ाई है उसका 75 मीटर्स होना चाहिए, ठीक है, और लंबाई 110 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं आगे, देयर इज़ अ पेयर ऑफ गोल पोस्ट स्टैंड 7.32 मीटर्स अपार्ट। तो गोल पोस्ट दो होते हैं, आपको तो पता ही है, तो उसका जो जो जितना लंबा होता है वो 7.32 मीटर्स लंबा होना चाहिए, ठीक है, ये है रूल। उसके बाद द गेम इज़ प्लेड बिटवीन टू टीम्स, ईच टीम हैज़ 11 मेन प्लेयर्स विथ 3 और 4 एक्स्ट्रा प्लेयर्स। तो आपको तो पता ही है, 11 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों में, 11 11, और 3 से 4 एक्स्ट्रा प्लेयर उस टीम में होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, द गेम इज़ कंडक्टेड बाय ए रेफरी एंड 2 लाइन्समैन। तो एक रेफरी और 2 लाइन्समैन होता है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद, ड्यूरिंग द प्लेइंग आवर्स द डिसीजन ऑफ द रेफरी इज़ फाइनल। द प्ले बिगेंस एज सून एज द रेफरी ब्लोज द विसल। तो मैच के दौरान जो रेफरी डिसीजन लेता है वही फाइनल होता है, और जब रेफरी सीटी बजाता है तभी मैच शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ईच टीम ट्राइज टू पास द बॉल थ्रू द गोल पोस्ट ऑफ द ओपोनेंट टीम। तो आपको तो ये भी पता है, ये एक्चुअली कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं पता, तो आप तो सभी फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेलिटी आपको तो लिखना ही पड़ेगा, बेसिक से बेसिक चीज़ें, क्योंकि ये ऐसे है। तो आपको तो मैं बोल दूँ कि मतलब जब ओपोनेंट टीम हमेशा ट्राई करती है अपने ऊपर मतलब एक दूसरे के गोल पोस्ट में बॉल मारने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखिए, व्हेन द बॉल पासिस द गोल पोस्ट इट स्कोर्ड 1 गोल। जब गोल पोस्ट में बॉल जाता है तो ये 1 गोल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द टीम विच स्कोर्ड मोर गोल्स विंस द गेम, ठीक है। तो जो टीम ज़्यादा गोल करती है वो मैच जीत जाती है। उसके बाद ये हुआ हेयर प्लेट एंड हाउ। उसके बाद कंक्लूशन, द गेम ऑफ फुटबॉल इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम एंड ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। तो ये तो आपको बताइए कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है, दौड़ना पड़ता है तो बॉडी का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है ये इस गेम खेलने से। इट ऑल्सो टीचेस द प्लेयर्स ए वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो काफ़ी डिसिप्लिन गेम है फुटबॉल, इसलिए लोगों मतलब इस टाइम पे काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं, और ये समझते हैं कि डिसिप्लिन मतलब कितनी अच्छी चीज़ है। आप एक खूबसूरती सी होती है कि है ना, कि सभी डिसिप्लिन होकर खेल रहे हैं, रूल को फॉलो करके स्पोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी लंबा नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट है ऐसे है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में प्लीज़ पूछिए, और जैसे कि मैंने बताया, आप वेबसाइट पे हमारे जाइए तो इसको आपको पूरा एचडी पिक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।